मॉर्निंग वेस्टिजियन, मैं मनीष वत्स आपका स्वागत करता हूँ कृषि ज्ञान पावर्ड बाय वेस्टिज एग्री के 102वें एपिसोड में। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं करेली की फसल के बारे में। तो लास्ट स्टेप पे हमने बात किया था कि कैसे आप मिट्टी में एग्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टिज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब इसके बाद क्या होता है, फार्मर बीज लगाना शुरू करता है। तो अगर आप सीड ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप वेस्टिज के क्या प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की टिप का नाम है आपका सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार के समय वेस्टिज के क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो बीज उपचार के समय आप वेस्टिज के दो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड, जिसकी डोज रहेगी आपका 5 से 10 ml पर किलो बीज में, जो कि क्या करेगा, उस बीज के अंकुरण की क्षमता को, जर्मिनेशन रेट को इंक्रीज करने में मदद करेगा। दूसरा प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट, जिसकी डोज रहेगी 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। प्रोटेक्ट क्या करेगा, आपकी फसल को फंगस से होने वाली बीमारी से बचाने में मदद करेगा। तो अगर आपके आसपास के क्षेत्र में अभी करेले की फसल लगाई जा रही है तो आप ये दोनों स्टेप फॉलो करके, आप रिकमेंड करके फार्मर को उनकी फसल को बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास के क्षेत्र में अभी करेले की फसल लगाई जा रही है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं टिप को अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ, ताकि उनको बिजनेस करने में आसानी रहे। तो मुझे उम्मीद है आपको टिप समझ में आएंगी, क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।